बाबा प्रेमचंद जी महाराज की। कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नगर बॉडी को होता है, पंचायत पंचायत उसको अतिक्रमी मानती है तो नोटिस दे। सबसे पहले नोटिस तो जारी की होगी कि आप इतने दिन में ये अतिक्रमण है, इसको हटाए। और उस अवधि में नहीं हटाता है तो हमसे पुलिस मदद मांगे, मजिस्ट्रेट मदद मांगे, उस दिन मजिस्ट्रेट पुलिस मौके पे भिजवा के रखवा देंगे। पंचायत को करना पड़ेगा क्योंकि आबादी जमीन है। अब जिनकी बात करना है, बात तो सरपंच साहब बराची है और गांव को काम है और निवेदन है तारसे की ते पंच कमीशन नियुक्त कर दिया। बाकी रिपोर्ट ले लो, रिपोर्ट आगे होगी पंचायत की। रिपोर्ट जो आई रिपोर्ट हम नकली देती। सुनो अभी फिर पंचायत डिसीजन ले लियोगे? नहीं, पंचायत डिसीजन नकल लेके गया है। नहीं नहीं, जो रिपोर्ट नहीं रजिस्टर एडीआई की नकल बाकी देती थे। मैं यहाँ का जो एप्लीकेशन दरखास्त लगाई बट की तरफ से है, आबादी भूमि का मामला है, डिसीजन पंचायत को लेना है। नहीं, डिसीजन पंचायत को क्या लेना है? आबादी भूमि का मालिक कौन है? नहीं, मालिक से मतलब कोई पट्टा दे रखा है तो पंचायत पट्टा दे रखा है तभी तो पंचायत से कह रहे हैं। नहीं, अतिक्रमण पंचायत थोड़ी कर रखी है, कुछ ना कर रखा है। अतिक्रमण जमीन पंचायत की थोड़ी कर रखी है। गाँव में कोई अतिक्रमण अतिक्रमण मान के कमीशन नियुक्ति के हिसाब से अतिक्रमण अतिक्रमण डालो प्रशासन। प्रशासन कौन है यहाँ का? नहीं, इस जगह से ग्राम पंचायत हटाएगी? पंचायत को नहीं हटाएगी। क्यों नहीं हटाएगी? कोई बात नहीं, हम लोगों को दर्जा में पंचायत की आबादी भूमि कौन हटाएगा? आबादी की भूमि नहीं है, पंचायत की है जगह वो। तो पंचायत और आबादी एक ही तो चीज है? नहीं, ये पंचायत की नहीं, पर्सनल जगह है। पर्सनल कैसे? पट्टा नहीं बनाया गया आपने? पट्टा बनाया, पट्टा आपको सौंप दिया। तो पट्टा किस लिए कैसे बनता है? पंचायत की जमीन होती तभी तो पट्टा देते हो। पंचायत की भूमि का थोड़ी पट्टा, तो पर्सनल जमीन का आपको सौंप दिया। अरे पर्सनल बात नहीं बनती है, विवाद होता है, पंचायत क्या करेगी इसमें? अतिक्रमण आपको करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा आने पड़ेगा तो क्यों करो? तो दे, तो कह रहा हमने आपको दे दी एप्लीकेशन, अब आप पुलिस बुलाओ, हटाओ, आप पुलिस बुलाओ, आप पुलिस बुलाओ, रे आप क्यों नहीं बुलाओगे? आप बिल्कुल 100% है ये आपकी थाना सही है, गलत है, गलत है। हम नहीं हटेंगे यहाँ से, धरना देंगे। तो फिर तैयार हो, बात करो, बिल्कुल तैयार हो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस बुलाओ, एक मिनट में पर्सनल काम पंचायत की देखो। पर्सनल कहाँ से? पंचायत का पट्टा आपने दिया ना इन्हें? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज ये जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो आज मलसी सर के ग्राम पंचायत भवन में ग्रामवासी जो हैं वो इकट्ठा होकर आए हैं। बाबा प्रेमगिरी मठ की कुटिया पर जो अतिक्रमण का मामला है उसको लेकर अपना विरोध यहाँ दर्ज करवा रहे हैं, क्योंकि उस मामले में जो बड़ी अपडेट है वो अपडेट ये है कि कल एक दीवार का वहाँ जीर्णोद्वार हुआ था और उस दीवार को तोड़ दिया था, जिसके बाद से ये मामला गरमाया हुआ है और उस मामले को लेकर यहाँ ग्रामवासी पंचायत में अपना विरोध प्रकट करवाने आए हैं। तो पूर्व सरपंच विनोद प्रजापति भी हमारे बीच में मौजूद है, तो आइए जिनसे जानते हैं कि ये मामला आखिर क्या है। देखिए जी, ये मलसीसर की आबादी का मठ का मामला है और मठ की वहाँ पर कुटिया है और उस कुटिया के आगे दुलचंद जी ने एक निर्माण कार्य कर रखा है और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, न्यायालय के अधीन है। इस पर न तो कोई छेड़छाड़ कर सकता है न कोई और। बरसात के अंदर वो दीवार गिर गई थी, उस दीवार को अंदर पशु घुस रहे थे, उन्होंने अपनी दीवार बनाई वहाँ पर। दीवार बनाई तो रात को किसी ने तोड़ दिया, अभी तक ये नहीं पता चला तोड़ा किसने है। लेकिन अब पीछे इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी अतिक्रमण का मामला मान करके, उस अतिक्रमण के मामले में ग्राम पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया गया। ग्राम पंचायत आबादी भूमि का न्यायालय है, प्रथम न्यायालय ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का ग्राम पंचायत कार्यालय होता है, जिसका प्रशासन ग्राम पंचायत का सरपंच और ग्राम सचिव ग्राम सेवक होता है। इन दोनों को उस एप्लीकेशन के आधार पर दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाता है। दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिया, अपना पट्टा पेश किया, इसके आधार पर पंचायत ने उनको नोटिस दिया। भी नोटिस ये दिया कि भी ये मामला क्या है, उन्होंने अभी तक इस मामले का कोई जवाब नहीं दिया, नई नोटिस स्वीकृत उन्होंने लिया।
इसके बाद में ग्राम पंचायत का कहना है कि हमने वहाँ पर नोटिस चस्पा किया, चस्पा करने के बाद में उसमें समय दिया जाता है 3 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी है, उस समय पूरा होने के बाद में भी ग्राम पंचायत ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। हम ये चाहते हैं कि ग्राम पंचायत भी उस पर डिसीजन ले, उस पर अंतिम निर्णय ले। ग्राम पंचायत या तो ये कह दे कि दूलचंद जी सही है और हम गलत हैं, या हम ये कह दे कि दूलचंद जी गलत हैं हम सही हैं, उस पर ग्राम पंचायत को एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेने के बाद में उस ग्राम पंचायत के निर्णय की पालना ग्राम पंचायत कराएगी। अगर ग्राम पंचायत के कहने से अगर वो सीधे सीधे नहीं मानता है तो पुलिस प्रशासन की इमदाद लेकर के ग्राम पंचायत उस निर्णय की पालना कराए, एग्जीक्यूट कराए। अब ग्राम पंचायत क्या कर रही है कि उस प्रार्थना पत्र के बाद में नोटिस तो दे दिया लेकिन उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रही है। हम ये चाहते हैं उस पर डिसीजन ले, और आबादी भूमि का मामला है, ग्राम पंचायत को ये अधिकार है कि आबादी भूमि के सारे निर्णय ग्राम पंचायत करे। अगर यहाँ पर निर्णय हो जाता है तो अगर ये नहीं मानते तो फिर आगे ऊपर कोर्ट में जाएंगे, अगर ऊपर कोर्ट में पहले ही जाते हैं तो कोर्ट रिटर्न हो जाती है फाइल। ये कहती है कि आप पहले ग्राम पंचायत से फैसला करवा के आइए, तो हम आगे भी नहीं जा सकते और ये भी कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। हम तो सारे इसलिए आए हैं आज कि ग्राम पंचायत इस पर कोई डिसीजन ले, लेकिन ग्राम पंचायत यहाँ राजनीति कर रही है, वो दोनों हाथों में लड्डू लेकर के दोनों पक्षों को खुश रखना चाहती है, वोटों की राजनीति कर रही है, लोगों को भिड़ाना चाहती है, मारना कटवाना चाहती है, लोगों को एक दूसरे से भेदभाव बढ़ाना रहे गाँव में अंदर, अशांति का माहौल ग्राम पंचायत पैदा कर रही है। ग्राम पंचायत चाहे तो इसको शांतिपूर्वक इस मामले को निपटा सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत खुद तो चाहती नहीं। ग्राम पंचायत चाहती है गांव के जाए उन दूलचंद से लड़े, दूलचंद जा करके मठ वालों से लड़े, ये शांति व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं ग्राम पंचायत। इसके जिम्मेदार निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के सरपंच ताराचंद जी जांगिड़ हैं और यहाँ के सचिव जो भी हैं ग्राम सेवक जी वो हैं, वो गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं आगे जाओ, आगे जाओ, आगे कहाँ जाएं? आबादी भूमि का मामला है, आबादी भूमि का डिसीजन ग्राम पंचायत को लेना है, अब वो डिसीजन ले नहीं रही। इसलिए हम सारे इकट्ठे हैं, आज इनको 3 दिन का समय दिया जा रहा है, इसके अंदर डिसीजन लें। अगर 3 दिन के अंदर ये डिसीजन नहीं लिया तो फिर आगे धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आगे और कार्रवाई करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पंचायत वैसे तो आबादी क्षेत्र आबादी को मिलने का अधिकार पंचायत को, पंचायत का ही। हां तो आप उस पंचायत मना कर, उन्होंने अतिक्रमण तो मान लिया था लेकिन वो कह रहे कि भी हम अटवार थोड़ा मजबूत पुलिस मदद मांगे, मजिस्ट्रेट मांगे, हम लेंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि गवर्नमेंट लैंड वैसे ही होती ना, ये चरागाह दूसरी वाली तो सर, अब आबादी में जो है कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नगर कोटी को था पंचायत, पंचायत उसको अतिक्रमी मानती है तो नोटिस दे सबसे पहले। नोटिस तो जारी की हुई कि आप इतने दिन में ये अतिक्रमण है इसको हटाए, और उस अवधि में नहीं हटाता है तो हमसे पुलिस मदद मांगे, मजिस्ट्रेट मदद मांगे, उसके मजिस्ट्रेट पुलिस मौके पे भिजवा के रखवा देंगे। पंचायत पंचायत को करना पड़ेगा क्योंकि आबादी जमीन है, पंचायत ने अतिक्रमण तो मान लिया, पंचायत बोल रही है, प्रशासन हमारे हाथ में नहीं है, प्रशासन हमें हम देने के लिए तैयार है। वो तो ये बोल रहे हैं कि आप जाओ कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, जहाँ भी जाना है आगे कलेक्टर के पास आगे, लेकिन जिसका मतलब जिसको दूल्हा बनना है वही घोड़ी पे नीचे उनकी जमीन है, वो कहेंगे हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, हमें हटाना है इस तारीख को, हमें पुलिस इंतजार दी जाए, मजिस्ट्रेट दिया जाए, मैं मजिस्ट्रेट भिजवा दूंगा, पुलिस भिजवा दूंगा, कार्रवाई तो उनको ही करनी है। अब उसने दो नोटिस दे दिए, एक तो डाक द्वारा, एक कर्मचारी ले गया, उसने कोई नोटिस तो लिए नहीं जो जिसने अतिक्रमण कर, पंचायत ने जो नोटिस दी हो हाँ वो नहीं, चस्पा की करवा दो। दूसरा पंचायत को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, पंचायत को आगे आना पड़ेगा और पंचायत तय करेगी कि इस तारीख को, क्योंकि और जगह भी तो हम तो हटवाते, हमारी जमीन हो अभी सिवाय जब वो चरागाह हो तो हम ही डेट तय करते हैं हम ही है, लेकिन और जगह दूसरी जगह भी आबादी का अतिक्रमण है, वो पंचायत हमें रिक्वेस्ट करती है कि इस तारीख को पंचायत वहाँ पे अतिक्रमण हटाएगी, आप मौका पुलिस और पुलिस इमदाद और मजिस्ट्रेट भी सरपंच तो ये बोल रहे हैं या तो वीडियो या कलेक्टर हमें वोटर भेजे फिर हम कार्रवाई करें। अरे कलेक्टर को थोड़ी पता है कि अतिक्रमण है कि नहीं है, अतिक्रमण
भूमि है, इसमें अतिक्रमण पाया गया है, वो नहीं हटा रहा है नोटिस के बावजूद भी, तो इसको हम बलपूर्वक हटाना चाहते हैं। हमें मौका मिल पुलिस इम्तिहाज दी जाए, वो लिखे तो मैं दूंगा ना पुलिस इम्तिहाज और मौका मजिस्ट्रेट। मुझे तो क्या आज की तारीख में मुझे क्या पता है कहाँ पर कितना अतिक्रमण है। अतिक्रमण तो एस्टेब्लिश पंचायत ही करेगी। ये लिखे दिए नीचे लिखे थे पंचायत इस कार्य को नहीं कर सकती। उसी तारीख को कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं।